हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा ही होगा साहब, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा सा है, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत फायदेमंद क्लास है। आज एक ही क्लास के अंदर हम प्रमुख ग्लेशियर को देखने वाले हैं। तो देखिएगा साहब, देखो भारत के प्रमुख ग्लेशियर यानी महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर देखिएगा। अब देखिएगा जो ये ग्लेशियर है, मैं इस तरीके से आपको मान हिमालय के जो प्रमुख ग्लेशियर है इनका मैं पूरी तरह से यहाँ डायग्राम से समझाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है साहब यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? यमुनोत्री ग्लेशियर। ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर, और इसी से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या साहब? यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है आप क्या बताओगे? आप क्या, कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। और यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद में आगे एक और ग्लेशियर स्थित है, और इस ग्लेशियर का नाम क्या साहब? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। और इस गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है साहब? कौन सी नदी निकलती है तो बताओगे? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, यानी पहले यमुनोत्री से कौन सी नदी? यमुना नदी। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? भागीरथी नदी। उसके बाद में आगे और ग्लेशियर है, उसका नाम है साहब केदारनाथ। कौन सा है? केदारनाथ। और इस केदारनाथ ग्लेशियर से ध्यान रखना कौन सी नदी निकलती है, तो वो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, दो तीन बार बोलेगा। और उसके बाद में आगे केदारनाथ के बाद में आगे जो अपना ग्लेशियर आता है उसका नाम है बद्रीनाथ। कौन सा ग्लेशियर आता है? बद्रीनाथ। और इस बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है साहब? तो इससे निकलती है अपनी अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। और बद्रीनाथ के बाद में आगे एक और ग्लेशियर है, और इसका नाम है साहब मिलाम। कौन सा ग्लेशियर है? मिलाम। और इस मिलाम से कौन सी नदी निकलती है साहब? तो इससे नदी निकलती है उसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी निकलती है? काली नदी। और उसके बाद में आगे एक और है, उस ग्लेशियर का नाम क्या साहब? इसका नाम है साहब गोसाई धाम। गोसाई धाम। और इस गोसाई धाम से साहब कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से नदी निकलती है इसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी। और आखिरी जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। और इससे कौन सी नदी निकलती है तो आप बताओगे कौन सी नदी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। तो ये जितने भी जो उत्तर महान हिमालय के जो हमारे प्रमुख ग्लेशियर थे और वहाँ से निकलने वाली मैंने प्रमुख नदियों का वर्णन आपको दर्शा दिया। सबसे पहले यमुनोत्री से कौन सी नदी? यमुना नदी। और उसके बाद में गंगोत्री से कौन सी? भागीरथी नदी। केदारनाथ से कौन सी? मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ से कौन सी? अलकनंदा नदी। मिलाम से कौन सी? काली नदी। गोसाई धाम से कौन सी? कोसी नदी। और जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी? तीस्ता नदी। अब देखिएगा, यदि आपसे ये पूर्व से मतलब पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछे ग्लेशियर का तो भी यही रहने वाला है, और चाहे पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूर्व, तो यही आपका क्रम रहने वाला है। सर अब इनको याद कैसे रखें? तो याद करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप याद रख सकते हो कैसे? याद यमुना नदी का तो आपको सबको ही पता है यमुनोत्री, और भागीरथी नदी का ध्यान रखना आपको कौन सा है? गंगोत्री। इन दोनों में क्या होगा साहब? कन्फ्यूजन होगा। अब कन्फ्यूजन का क्या इलाज है साहब? अलकनंदा नदी जब पढ़ो आप तो इसका ध्यान रखना अलक जगह बद्री तूने, अलग जगह बद्री तूने, तो वहां से याद रह जाएगा बद्रीनाथ। इसका मतलब मंदाकिनी का कौन सा हो जाएगा? केला अपना केदारनाथ। और उसके बाद में मिलाम, काली मिला, काली मिला, काली मिला, यानी मिलाम से कौन सी नदी निकलती है? काली नदी। और उसके बाद में गोसाई, गोसाई कोसी, गोसाई कोसी, थोड़े बहुत शब्द मिल रहे हैं, इसका मतलब गोसाई धाम से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी। और अंतिम जो अपना है वो कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर, और उससे कौन सी नदी? जेमू से तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। तो चलिएगा एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसे इस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक आखिरी लाइन सुनिएगा, बहुत ही बड़ी जबरदस्त लाइन है। जिस तरह से छोटी छोटी बूंदें, जिस तरह से छोटी छोटी बारिश की बूंदें एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं, जिस तरह से छोटी छोटी बारिश की बूंदें एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं, उसी तरह यदि आप भी जिंदगी में अपने आप में छोटे छोटे परिवर्तन ला रहे हो तो वो परिवर्तन एक दिन वो बड़े परिवर्तन का रूप जरूर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।